अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकड़ छोले और उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले 1/2 kg वाइट चने हैं, उनको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और उसके साथ ही मैंने 1/2 teaspoon जो था यहाँ पे मीठे सोडे का ऐड किया है, जिसको के सोडा वाय कार्बोनेट कहते हैं। तो ये ओवरनाइट के लिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स करके रख देना है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे ये फिर बने थे, ये मैंने रात को जो थे ना ये भिगो के रख दिए थे। और आप इसको 12 घंटे के लिए भिगो के रखें तब ये अच्छे बनते हैं। तो ये जी हमारे किचन में पड़ा हुआ है हमारा मनी प्लांट, जिसके बारे में काफ़ी सवाल किए जाते हैं। तो ये वसीम के अब्बू जी ने हमें ये दिया हुआ है, जो कि ये बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा है। 4 गमले हैं इसके मेरे पास, तो ये तो पैसे कोई नहीं लगते, ये सिर्फ मैंने खूबसूरती के लिए खूबसूरती के लिए ये हमारे किचन में है। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें चने हम करने लगे हैं बॉयल, इनको हमने रात को भिगोया हुआ था। 1/2 teaspoon जो है सॉल्ट ऐड किया है और अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे 12 मिनट के लिए, 800 की पावर पे इसको हम रखेंगे और बस इतने इतने टाइम में ये शानदार से माशाल्लाह गल जाएंगे। तो ये देख लें 12 मिनट के बाद ये अब हम खोलते हैं प्रेशर कुकर को, टाइमर इसका बंद हो गया था। तो चलें चेक करते हैं चने गले हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जी ये माशाल्लाह गल गए हुए हैं, मैंने इतने ही गलाने थे क्योंकि इन्होंने बाकी हांडी में भी तो पकना है। तो यहाँ पे एक मैंने आलू जो था बॉयल करके रखा हुआ था, उसमें थोड़े से चने डाल के तकरीबन 3 जो है ये सर्विंग स्पून जो है ये इसके चने के इसके अंदर डालेंगे, ये तकरीबन 1/2 cup ये बन जाएगा इतना सा। तो इसको हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे पानी डाल के, थोड़ा इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनेगी जो कि हम चनों की ग्रेवी के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चने बनते हैं इसके साथ माशाल्लाह। तो यहाँ पे चने जो हैं वो हम अलग कर लेंगे, पानी एक साइड पे कर देंगे उनका, और ये पानी हम गिराएंगे नहीं, यही पानी हमने चनों में ऐड करना है, ठीक है। 1 cup जो है ये हम ऑयल का ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन है, 1 tablespoon अदरक का, 1 tablespoon जो है लहसुन का। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस इसको आपने हल्का सा जो है फ्राई करना है अदरक लहसुन को, बहुत ज़्यादा नहीं, ब्राउन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बड़े वाला प्याज है जिसको मैंने चॉपर में इस तरह से इसकी पेस्ट बना ली थी, और यहाँ पे हमने ये प्याज भी डाल देना है और इसको आपने गोल्डन ब्राउन सा करना है बस। यहाँ पे जी मेरे पास जो है 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च है, क्रश चिली जिसको कहते हैं, 1/2 teaspoon काली मिर्चें हैं, 1 teaspoon जो सॉल्ट का है, 1/2 teaspoon हल्दी है, और 1 teaspoon जो है रेड चिली पाउडर है, और 1 teaspoon जो है यहाँ पे ज़ीरे का है। और ये सारे मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर ऐसे, ठीक है, अच्छी तरह से। और इनको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ, ये देखें। और आग जो है आपने यहाँ जो इसकी पावर है इंडक्शन होब की, इसको मीडियम पे रखना ताकि मसाले जल ना जाए। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला बना है। और इस स्टेज पे इसके अंदर हमने ऐड करना है ये जो हमने बनाया था आलू का और चनों की ये जो पेस्ट, इसको गाढ़ा करने के लिए ये हमने ऐड कर दी, एक आलू था और जो था 1/2 cup जो थे वो चने थे बॉयल जो हमने किए थे ना, उन्हीं को इसके साथ हमने मैश किया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया, देख लें ऑयल भी जो है मसाले से अलग हो गया। और यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे चने, ये 1/2 kg जो हैं चने जो कि हमने ओवरनाइट भिगोए थे, टिन वाले नहीं यूज़ किए। तो इनको बस आपने अब थोड़ा सा इसके साथ भून लेना है, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। और इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 teaspoon गरम मसाले का, 1 teaspoon सूखा धनिया, 1/4 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है, ये देखें ऐसे अच्छी तरह से चनों को आप भून लें, सारे मसालों का जो टेस्ट है वो इनके अंदर तक जाना चाहिए।
और यहाँ पे 1 कप हमने ऐड किया योगर्ट का। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से योगर्ट के साथ। क्वार्टर टीस्पून आमचूर पाउडर का मैंने ऐड किया है यहाँ पे। इसके साथ जो है चोनों में टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, और आप देखें ये कितना अच्छा इसका जो है टेक्सचर आया है। और ये जो टेक्सचर आया है ना, ऐ आया जी आलूओं के नाल, और वो जो मैंने चने जो थे ग्राइंड किए थे इकट्ठे, तो इनको गाढ़ा करना हो तो ये वाला तरीका इसका बहुत ज़बरदस्त है। और ये बिल्कुल जो है मार्केट स्टाइल के बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस इनको थोड़ा सा भूनेंगे योगर्ट के साथ और फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और अब जी यहाँ पे हम ये पानी डालेंगे जिसके अंदर हमने चने जो थे बॉईल किए थे, और इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और फिर इसको जी आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है जब तक जो है इसका मसाले की जो तरी होती है जिसको कहते हैं जी तेल ऊपर आना है ना, जब तक वो ऊपर नहीं आ जाता तो इसको आपने हल्की आग पे कुक करना है। यहाँ पे जी हमने लगाना है तड़का चनों को देसी घी का। तो ये देखें जी ये लगेगा देसी घी का तड़का। और यहाँ पे ज़रा चनों को चेक करें, ये देखें इनके ऊपर जो है तरी वो आ रही है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून कसूरी मेथी का और 1/4 टीस्पून जो है ये है सोडा बाइकार्बोनेट, तो ये हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये डाल के तो इसको मिक्स करना है आपने इस तरह से। ये देखें ये हमने मीठा सोडा जो है वो ऐड किया है इसके अंदर। तो ये टिप होती है जी, ये जो आपको बाहर से चने खाने को मिलते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं जी बड़े स्वादी सन, तो उन्होंने ये एंड पे जो है ना ये टिप जो है वो यूज़ की होती है। तो बस इसको थोड़ा सा कवर करके रख, और अब इसको जी मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो है ना ऑयल ऊपर आ जाए। फिर इसको हम लगाएंगे देसी घी का और गर्म मसाले का तड़का। यहाँ पे जी हम देसी घी को करेंगे गरम क्योंकि इसका हमने तड़का लगाना है चनों में। तो यहाँ पे गरम मसाले की ये जो है 1 टीस्पून गरम मसाला ये हमने फेंक दिया इसके अंदर। और तेल देखें जी, तेल नहीं है देसी घी है। तो बस अभी इधर से इसको हमने उठाना है, और ये जो शड़ शड़ शड़ा की आवाज़ें आनी है ना अभी लगेगा तुहानू पता। चलो आ जाओ तड़का लाइए हम। तो यहाँ से इसको उठाते हैं जी, तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए ये लग गया चनों को तड़का। यहाँ से फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और यहाँ से हम थोड़े से चने उठाएंगे। ठीक है जी, ये लग गया देसी घी का तड़का शानदार सा। अब इसको थोड़ी देर कवर करके रखते हैं। तो चलें जी अब हम करते हैं इसको गार्निश। चने देखो साढ़े माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो ये आप नान के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी। तो ये हमने इसके साथ बनाने हैं जी राइस, तो इसलिए मैंने थोड़े इनके अंदर ग्रेवी रखी है। तो चलो फिर ये देखें ये जाने लगा है इसके ऊपर धनिया, और यहाँ पे हैं जी हरी मिर्चें। ठीक है, तो थोड़ा इसको हरा भरा करेंगे ऐसे। देखें हो गया ना ज़बरदस्त माशाल्लाह। यहाँ पे हम डालेंगे बटर, जो कि हम डाले बगैर रह नहीं सकते। आपको पता है कि मैं दाल में भी चनों में भी ये लाजमी है, क्योंकि इससे जो है ना एक तो हांडी की शक्ल बड़ी मज़े की हो जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो बस इसको आपने थोड़ा सा ज़रा ऐसे बटर को थोड़े से ना रिला मिला देना है, और अब इसको हम करेंगे कवर। तो यहाँ पे जी अब्बू जी डाल रहे हैं खाना, तो आज जो है चिक्कड़ छोले हैं और साथ में है चावल। यहाँ पे हैं जी राइस, अब्बू जी डालेंगे चावल। चावल ना मैं थोड़े नरम ही बनाए ना, तो अब अब्बू जी उठाएंगे जी चनों का कुंगट। ये पहले ना मैं सुबह अब्बू जी 2 अंडे फ्राई करके ते ब्रेड के नाल देसी घ्यो
अब्बू जी को तो कुकी चढ़ी हुई है, ते हुण चनिया नूं वी जिहड़ा ना मैं देसी घिओ दा ही तड़का लाया है। चनों को लगा हुआ है देसी घिओ का तड़का। तो ये देखिए जी, जबरदस्त माशाल्लाह। हाँ जी अब्बू जी, कैसे बने हैं चने चिकड़ छोले बताएं फिर। बहुत ही टेस्टी, वाह जी वाह, माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी, बहुत मजा आया। चलो ऐ खाइयो ते फिर सो जाइयो जेने सुबह तो नींद। योगर्ट चाहिए? योगर्ट साथ में नहीं, नहीं। वो तो ये चनों के साथ जो है ना, फिर योगर्ट डाल के बहुत जबरदस्त, कमाल मजा। चने जी गुड हो गए माशाल्लाह। वो खाएगा अब्दुल्ला और अगर ना उनको उनको वो पता चनों के साथ नान बड़े पसंद है। चलो जी फिर खाओ आप। आज की हांडी जो कि बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त बनी, तो दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अपना भी ख्याल रखें और अपने चैनल का भी ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।